शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय का है, जहां पर बीएड ट्रेनिंग में 4 मृत शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दी गई और उनकी हाजिरी भी लगा दी गई। वहीं इस ट्रेनिंग के दौरान उन मृत शिक्षकों का वेतन पत्र भी तैयार कर लिया गया। वही मामला सामने आते ही महाविद्यालय में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद महाविद्यालय द्वारा विभागीय जाँच कमेटी बना दी गई, जो की अब पूरे मामले की जाँच करेगी। बीएड शिक्षकों की कोरोना काल में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय में चल रहा था। वहीं एक महीने की ट्रेनिंग के दौरान 4 शिक्षकों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। बावजूद इसके ऑनलाइन प्रशिक्षण में इन 4 मृत शिक्षकों की बकायदा हाजिरी लगती रही। इतना ही नहीं, इनका वेतन पत्र तक बना दिया गया। वही जब मामले की जानकारी प्राचार्य आर के स्वर्णकार से ली गई, तो उनके द्वारा गोलमाल जवाब देते हुए न पूरे मामले का ठीकरा कर्मचारियों के ऊपर ही थोपते हुए बताया कि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जहां कभी भी नेटवर्क या कनेक्शन वीक हो जाने से समस्या आ जाती थी, जिसके कारण चूक हो गई होगी। जिसको देखते हुए पूरे मामले में विभागीय कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर कार्रवाई की बात कही है। बहरहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं PCM महाविद्यालय के प्राचार्य आर के स्वर्णकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि महाविद्यालय में इतनी बड़ी लापरवाही हो जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं लगी। कहीं ना कहीं महाविद्यालय के प्राचार्य अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप कर बचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ जो एडमिशन होते हैं वो 215 बीएड फर्स्ट ईयर के पहले साल के और बीएड 15 दूसरे साल की सीट हैं। इस तरह से 430 एडमिशन बीएड के स्टूडेंट रहते हैं। 20 स्टूडेंट हमारे पास एमएड के रहते हैं और बीएड एमएड सेकेंड ईयर के। इस तरह से 470 स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं। और जो ये मामला जो सामने आया है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मृत शिक्षक के नाम पर, यहाँ पर हमारे केवल जो ट्रेनिंग होती है वो अभी ऑनलाइन चल रही है एक वर्ष से कोरोना के कारण से। तो इसमें जो हम अटेंडेंस लेते हैं, तो उस शिक्षक ने संबंधित से जब हमने पूछा सारी चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि तब मोबाइल नहीं लग रहा था, इस कारण से उसमें उस एक महीने में जिसमें उसकी डेथ हुई थी, तो वो जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट जारी किया है उसकी भी हम जाँच कर रहे हैं। और जाँच में अगर गलती पाई जाए उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे। जो भी हमारे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत जो भी आता है उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं उसकी, और उसकी जांच हमने शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे पास ये मामला पहले से भी आ चुका है। और दूसरा ये कि जो गलती है उस कारण से कोरोना में क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं तो ऑनलाइन क्लास में कई जगह कनेक्टिविटी की गड़बड़ी होती है, उस कारण से बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो कई बार तो होता है 10-10-12 दिन मोबाइल टावर नहीं आ रहा, सारी चीज़ें नहीं आ रही है, क्योंकि सारे के सारे 470 लोगों की अलग अलग क्लासेस उस तरह से चलती रहती है। तो ये एक कारण उसका हो सकता है ये, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी दिक्कत है उसको हम दूर करेंगे। और किसी भी व्यक्ति का जो पेमेंट है वो IFMS सिस्टम से होता है। कोई भी सैलरी आजकल ऐसी निकाली जाती है ऑनलाइन ही निकलती है, तो वो वेरिफिकेशन होता है, वो हमसे पूछते हैं, वो तो हमारी सूची अलग जाती है ये संकुल प्राचार्य के पास, पर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में किसी के टीचर्स का चाहे वो ख़त्म हो जाता है, तो सारे के सारे उसके जो भी पेमेंट हैं सारे चीज़ें हैं वो उस तरह से निकलते हैं। तो किसी को भी इस तरह से अगर अटेंडेंस चली भी गई है तो उसके आधार पर वो नहीं निकल सकता, क्योंकि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन सारी चीज़ें होती हैं। तो ये संबंधित जिला हमारे यहाँ 9 जिले आते हैं, जबलपुर संभाग के और होशंगाबाद संभाग का, बैतूल जिला भी हमारे उसमें सम्मिलित है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बैतूल जिला या इंटीरियर के जो क्षेत्र में इस तरह की समस्या आती है, और जो प्रॉपर शहरी क्षेत्र हैं तो उसमें ये समस्या नहीं आती है सर। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो हाजिरी लगाई गई है उसके बाद ही वेतन पत्र जो है वो जारी किया गया है। नहीं, हाजिरी लगाई नहीं, हाजिरी तो वो वेतन पत्रक नहीं है, ये हाजिरी है, वेतन पत्रक हम नहीं निकालते। वेतन पत्रक जो है संपूर्ण संघ प्राचार्य से जारी होता है। सर वो हाजिरी पे ही होता होगा जारी की कितनी है। नहीं तो कैसे हो जाएगा हाजिरी, उसका भी फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो जहाँ अगर हाजिरी जाती भी है तो फिजिकल वेरिफिकेशन वहाँ होता है। मृत सूचना अगर वहाँ संकुल प्राचार्य के पास पहुँच गई है तो वेतन तो निकलने का सवाल ही नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी चूक मानी जा रही है कि हाजिरी भी अगर इस तरीके से लग गई है तो नहीं, उसकी चूक हुई है, ये तो मैंने पहले भी बताया आपको। तो हमने चूक हुई है तो उसके हम वो सारी चीजें कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। कार्रवाई इस पर हो सकती है और क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, इसमें कोई वो वैसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर नहीं है जी। तो इसमें तो केवल जो कार्रवाई होती है वो उसकी CR की चेतावनी, जिसे हम कहते हैं, जो उसकी सर्विस बुक होती है उसमें ये लिखा जाता है कि इस तरह की गलतियां भविष्य में ना की जाए, उसको रेड पेन से लिखा जाता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 को अगर आप पढ़ें देखें, तो उस तरह की वो सारी 4 कार्रवाइयाँ जैसे ही हमारी कमेटी हमने बिठा दी है,
जांच कमेटी की हमारी रिपोर्ट आएगी तो हम उसको उस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की जो गलतियां अगर हो जाती हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं और इस तरह क्लास चलते थे कि ऑनलाइन जो चीज़ें हो रही थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सामने सामने वो नहीं आ पा रही थी, इस कारण से भी गलती हुई है। तो इस तरह की गलती उनके द्वारा नहीं होगी, हमने उनको नोटिस भी जारी किया है। सर कितने जो शिक्षक हैं जिनकी हाजिरी ऐसी लग गई? हाजिरी एक शिक्षक है केवल मात्र, और सारे हमारे शिक्षक आपको बता दूं कि 7 शिक्षक हैं जिनकी डेथ हुई है, उसमें कि एक शिक्षक की गड़बड़ी हुई है। जैसे दुर्गा बेसेन है, ये बीएड सेकेंड ईयर के हैं। गंगा राम रजक, ये बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। धनपत सिंह ठाकुर, ये भी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। चंद्रकोल बसोड़े, ये बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, मानेगांव बालाघाट से है। संतोष कुमार किराना, इनकी सबकी मौत जो है कोविड से हुई है, ये बीएड फर्स्ट ईयर में है। ममता बैल जी, ये एमएड की हमारी स्टूडेंट है, एमएड सेकेंड ईयर में है, ये सिवनी से हैं। और हरभजन सिंह राठौर, ये गाडरवारा से हैं। तो इनकी किसी की भी नहीं गई, एक का केवल चूक हुई है, एक शिक्षक से हुई है, तो उसके लिए हम वो भी कार्रवाई कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं जी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष पाथरे की रिपोर्ट।